हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, महकमा जरात। इस वक्त तक महकमा ज़राअत कहाँ खुला होता है। डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा बोल रहा हूँ। सर वो नेट से आपका नंबर लिया था जी। जी वो महकमा ज़राअत का था। ये अच्छा, क्या कहता है महकमा ज़राअत वाले। अच्छा, सब्जियों के बारे में ना थोड़ी सी मालूमात लेनी थी। तो क्या मालूमात लेनी है। ये बीज लेना हमने, अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं। ये मैं मोजाबाद से बात कर रहा हूँ, टोबा हैं रोड मोजाबाद, क्या। जान जान टोबा रोड मोजाबाद, तोबा रोड। जिला जान। अच्छा अच्छा तोबा रोड से, यानी जिला जंग है। गांव कौन सा है। ये टोबा रोड है, मोजाबाद है जी। मोजाबाग। अच्छा, तो उधर महकमा ज़राअत वाले कुछ काम करते भी हैं या नहीं। वैसे शॉप वगैरह तो काफी बनी हुई है, तो अच्छा बीज के बारे में थोड़ी सी मालूमात देनी थी आपसे। जी, मेरी जान, किस चीज़ का बीज चाहिए, कौन सी सब्जियां ये कौन सी बैंगन का लगाना बीज, है। बैंगन का बीज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, बैंगन का बीज चाहिए। अच्छा, तो ये भी है ना, सदाबहार जो बीज हो ना, हाँ जी सदाबहार, जी जी ये तो 2 साल या 1 साल चल जाए। ये जी है। पूसा पर्पल भी होता है। पूसा पूसा पर्पल लांग है। एक इसी तरह मुल्तान सिलेक्शन है। कौन सा आपको चाहिए। जो आपके जेब में अच्छा ना, हमें तो इतना पता नहीं है, अगर पता होता तो हम तो ले लेते कहीं से। जो अच्छा आप बेहतर समझते हैं ना, उसका मैं वो दे दें, नाम तो आप दे देंगे। दोनों ही हैं, दोनों किस्में हैं, अच्छी हैं। ठीक है और बल्कि मैं तो कहूँगा कि दोनों ही कितना रकबा है। तकरीबन हम 2 एकड़ लगाएंगे, दो दो एकड़ या डेढ़। लगाएंगे, बस आधा आधा लगा लेना। आधा पूसा पर्पल ले लें। पूसा पर वो लंबा होता है, लंबूतर लंबे वाले, ठीक है ना। अच्छा और जी, दूसरा ठीक जो है वो गोल भी है, मुल्तान सिलेक्शन ले लें, ठीक है। ये दोनों है मिल जाएंगे आपको बैंगन के। और ये इसकी सीड के अलग-अलग कंपनियां होती हैं। आपके उधर जंग में कोई नहीं है। जान। में मंडी में चीजें मिलती हैं, हाँ जी, एक दो दफा हमने लगाया, लेकिन वो नाम का भी थोड़े देर में नहीं है, जैसे हाँ जी, एवरेज आनी चाहिए ना वो नहीं वो आती। नहीं आती। तो थोड़ा आपसे कौन सा दूर है, फैसलाबाद। हाँ जी, फैसलाबाद चले जाएं। वहां फैसलाबाद में आपको अच्छे सीड डीलर मिल जाएंगे, ठीक ठीक है, है ना। वहां वहां से भी जाएं, अच्छा वहां सीट से मिल जाएगा। लें, बिस्मिल्लाह करके। अल्लाह फजल करेगा, अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे दे देंगे वो। क्यों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। बहुत बहुत लेकर शुक्रिया। ये कि ये महकमा ज़राअत का नहीं है मेरी जान। ये आपको, ये मेरा नाम आप नोट कर लें। आप चूंकि जंग से हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत भी करूंगा और प्यार भी बहुत बहुत करूंगा। मेहरबानी, मैं शुक्रिया। प्यार भी करता हूँ इसलिए कि जंग जो है वो मेरा बहुत करीबी मेरा रिश्ता है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो आप प्लीज़ जंग वालों, ये प्रोग्राम मेरा देखा करें। डॉक्टर अशरफ साहबज़ादा मेरा नाम हाँ है जी ठीक और है, चैनल आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जियों के बारे में भी, इसी तरह जानवरों के बारे में, फसलों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, जो जो भी आपकी दिलचस्पी है ना, उस पे मुताले आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो चैनल बहुत को मेहरबानी ठीक जी, है आपका ना। बहुत मेहरबानी। हाँ, बस दुआओं में याद रखें, ठीक है। ओके, अच्छा अल्लाह ठीक हाफिज, है, अल्लाह हाफिज। अभी मैं अजीजम ख्वाजा खालिद, जो साउथ कोरिया में पीएचडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको देखकर मुझे एक हदीस मुबारक याद आ गई। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम उस हदीस पर करते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले, वो जब तक घर वापस ना आ जाए, अल्लाह की राह में है। ये मैं तिर्मिजी और दारमी से
کوٹ کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.